जिंदगी में ना सब कुछ ट्राई करके देखना पड़ता है। आप अगर ट्राई ना करोगे तो एक्सपीरियंस नहीं होंगे। तो आज मैं जो ट्राई कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ आपको। पहले मैं ऑयल को शामिल किया 2 टेबल स्पून, उसके बाद अरबी को काट के अच्छे से धो के अभी फ्राई कर लूँगी। और मैं फर्स्ट टाइम इसी सब्ज़ी को ट्राई कर रही हूँ। सो ये तो खाती हूँ, हमेशा बहुत खाती हूँ, लेकिन जो फिश से खाती हूँ, आज फिश के साथ मैं अरबी बहुत बनाती हूँ, तो आज बना रही हूँ मैं फिश के नहीं, लोकल चिकन को मैरिनेट करके मैं आधा बनाई थी उस दिन, आधा रख दिया था, तो उसी से मैं अरबी को बनाऊंगी आज। पहले अरबी को फ्राई करके उठा के रख दूंगी। और एक साइड में बना रही हूँ मैं करेला को भाजी कर रही हूँ, और दूसरी साइड पे कुकर पे मैं थोड़ी सी दाल बिठाई। अभी चिकन को आइस बॉक्स में रख दिया था, इसीलिए चिकन इस तरह हुई है। अभी चिकन फ्राई कर लूँगी और करेला को थोड़ी सी इधर उधर कर दिया। अरबी को फ्राई करके उठा के रख दिया था, फिर और चिकन के साथ भुनाई कर रही हूँ। अभी ज़्यादा भुनाई नहीं करना है क्योंकि भुनाई फ्राई पहले हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो जी मैं, हमारे तो नाश्ता सुबह ही होती है, लेकिन एक जो है वो सुबह नाश्ता नहीं करती है। तो आज स्टडी लीव है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ना पुलाव ना खिचड़ी, इसकी बीज कुछ एक बना के दे दिया है। अभी हाथों से मिक्स करके मैंने थोड़ी सी खिचड़ी की तरह बनाई। और ये चावल है ना, 1 कप चावल लिया था मैंने, दरमियान साइज़ की 1 कप चावल, लेकिन बहुत पुरानी चावल है शायद, इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और हमेशा ना मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही ये सब गुल लेती हूँ, ठंडे पानी, कभी कभी नॉर्मल पानी से। तो आज थोड़ी सी लेट हो गई है। अभी मैं 1 टीस्पून बटर को शामिल कर रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए, और मिक्स करके और 10 मिनट में ढक के रख दूँगी। और दूसरी साइड पे मैं बटर, थोड़ी सी बटर भी मैं अरबी के सालन में मिक्स कर दी ताकि फ्लेवर अच्छी हो। और अभी पीऊँगी मैं ये मेरी हेल्दी ड्रिंक। आप पी के देखो, आपकी एक्स्ट्रा जो फैट्स है वो भी नहीं रहेंगे, और जो गर्मियाँ है ना आजकल, गर्मी की बहुत कम लगती है। इस साल में इतनी गर्मी में पाया ही नहीं, क्योंकि मैं गर्मी से पहले मैं ये ड्रिंक लेना शुरू किया था। अभी दाल को मैं तड़का लगाऊंगी, पहले ड्रिंक को पी लेती हूँ, ठीक है। और जी मेरी ये खिचड़ी ना पुलाव ये बन गई है, अभी मैं डिश आउट करके बेटी को खाने दूंगी। तो ये तो बेटी अकेले नहीं खाएंगे, हम तीनों मिलके खाएंगे। अभी थोड़ी सी सालन दे दूंगी और मेरे लिए 1 कप चाय। अच्छा, पहले मैं बहुत चाय पीती थी, अभी मैंने बहुत कम किया है। तो मैंने दिन में 6 या 5 कप पीती थी, अभी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 कप ही पीती हूँ। लेकिन सुबह जो मैं चाय पीती हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा, 2 कप की बराबर, एक बड़े साइज की कप की 1 कप चाय और साथ में रोटी। ज़िंदगी में मैं जितना रोटी को लाइक करती हूँ शायद किसी ने नहीं किया है। तो जी हम अभी आई हूँ बेडरूम में, अभी मैं बेडरूम में जाके ये खाना खाऊंगी। खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, खिचड़ी मुझे लाइक नहीं, मुझे खिचड़ी पसंद नहीं, चावल भी मुझे पसंद नहीं, मुझे हमेशा रोटी देना, मैं खा लेती हूँ। थोड़ी सी 2 टीस्पून चख लेती हूँ मैं, अच्छा मैं चाय पी के मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, उसके बाद इनको खाना देने के लिए जाऊँगी। और जी आजकल मैं छोटी छोटी ब्लॉग ही बनाती हूँ, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम है नहीं। तो अच्छा, ये खाना जो है ना बहुत मज़ेदार बना था, बटर की थोड़ी सी फ्लेवर आ रही थी और नींबू के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी मैं ले रही हूँ अभी विदा, विदा लेने की वक्त आ गई है। फिर से मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ, नए कंटेंट के साथ और नई एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग हेल्दी रहिए, ठीक रहिए, अच्छे रहिए और मेरे साथ ही रहिए। हो सके तो सब्सक्राइब करके मेरे पास ही रहना।
और ये जी कौन है आप लोग को कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।